4:45 हो रहे हैं सुबह के, और धीरे धीरे हल्का हल्का अभी उजाला होने को है। रात में कोई खास नींद आई नहीं थी, थोड़ा सा राजमा चावल खाया, फिर वही भोजनालय के पास ही कंबल बिछा के मैं लेट गया था, क्योंकि पैर में थोड़ी जकड़न सी आ गई थी और चारों तरफ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए कोई विचार बनाया नहीं था। मैंने आपको अपडेट किया था कि भैरवनाथ की यात्रा मैं सुबह में करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी कोई खास मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आराम करना ही उचित समझा। तो अभी 4:45 हो रहे हैं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ यात्रा के लिए। अभी चाय पिया हूँ, चाय पी के अभी तुम यात्रा करा रहा हूँ, बाकी अपडेट मैं दूंगा सब, और वहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा कि भैरवनाथ की क्या कथा थी, उस बारे में भी सारी अपडेट दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल न्यू अमित में। और माता वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण करने के बाद अब निकल रहे हैं भैरवनाथ की यात्रा करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब तक आप भैरवनाथ के दर्शन ना करो तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, और इसके पीछे जो कहानी है उस बारे में भी डिस्कस करेंगे ऊपर चल के। जब भैरवनाथ मंदिर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी चल के आपको पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं आगे रास्ते में, और धीरे धीरे सारी अपडेट आपको पता चलती जाएगी और हम बताते जाएंगे। आइए चलते हैं, जय माता दी। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. अपडेट ये था आप सभी लोगों के लिए। ये बताना चाह रहा था कि मैंने वीडियो में आपको अभी बताया नहीं था कि टोटल यात्रा कितनी किलोमीटर की लंबी है। ये 14 किलोमीटर की यात्रा है टोटल। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे सारी अपडेट, धीरे धीरे आपको देते चले जाएंगे। आप हर एक वीडियो में आपको मैं हर एक मोड़ पे सारा अपडेट दूंगा। तो जय माता दी। तो भैरव घाटी की चढ़ाई जो बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देख सकते हो पीछे कितने स्लोप पर है, और बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है। अब 2 से 2.5 किलोमीटर अभी इसी तरह चढ़ाई चढ़ना है। सीढ़ी का यूज नहीं किया हमने, इसलिए नहीं किया क्योंकि पैर में थोड़ी सी जकड़न थी, इसलिए हमने सीढ़ी का प्रयोग नहीं किया। बट एक और सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, वो इतनी लंबी लंबी सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। प्लेन रास्ते बने हुए हैं, धीरे धीरे ही चढ़ें, लेकिन प्लेन रास्ते का ही प्रयोग करें, जिससे आप आराम से यात्रा पूरी कर पाएंगे और आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी। ज़रूरी नहीं बहुत तेज़ी से जाएँ, धीरे धीरे जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जय माता दी। जिन यात्रियों को चलने में दिक्कत होती है या बुजुर्ग हैं, वो यहाँ से घोड़े और खच्चर की सुविधा साइन बोर्ड की तरफ से अवेलेबल है, और पिट्ठू को भी सुविधा उपलब्ध है। घोड़े वाले लगभग यहाँ से 400 रुपये लेते हैं भैरव घाटी तक जाने के लिए। लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता वो 400 रुपये में ले कर जाते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे यहाँ प्रीपेड काउंटर है। प्रीपेड काउंटर, यहाँ से आप पैसे जमा करके यहाँ से आप घोड़े बुक कर सकते हो। फिर यहाँ से आप दो रास्ते यहाँ से डिविड हो जा रहे हैं, आप देख सकते हो। एक रास्ता जो है नीचे की तरफ से केवल घोड़े और खच्चरों के लिए है, और एक रास्ता जो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये पैदल यात्रियों के लिए है। और ये है प्रीपेड। लाठी ली है अभी सपोर्ट के लिए, अब बेसिकली सपोर्ट के लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रसाद भी है और बैग ऑलरेडी मेरे पास पीठ पे मैंने टांगा हुआ है। लाठी लेने का कारण एक ये रहा कि एक हल्का सपोर्ट मिल जाएगा, तो चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है। और दूसरी चीज़, ऊपर लंगूर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो अगर आपके पास प्रसाद है
डंडे रहते हैं, लाठी रहती है, तो वो जल्दी आपके पास नहीं आते, नहीं तो प्रसाद छीनने के प्रयास करते हैं। इसी सुरक्षा को देखते हुए हमने एक लाठी खरीदी और मात्र ये लाठी 10 रुपये की, जो लाठी नीचे 30-40 रुपये की मिल रही थी ऊपर 10 रुपये की ही मिल रही है। तो चलिए बढ़िया ही है, आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं। जय माता दी। तो मुझे भी ये जीटर पहनना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही है और भैरवनाथ की रास्ते पे बहुत जगह जो है टीन शेड नहीं है और बारिश लगातार कंटिन्यू हो रही है, इसलिए हमें भी जीटर पहनना पड़ा। तो अभी इसका यूज हो रहा है क्योंकि नीचे से लेके अभी तक तो कोई यूज हुआ नहीं था और अभी यूज हो रहा है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा पीछे, अभी ऊपर चलेंगे तो और माता रानी का नज़ारा अच्छा देखने को मिलेगा। अभी कोई खास नहीं दिख रहा है, बता के चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अब जाके इस जीटर का प्रयोग हम कर पा रहे हैं। जय माता दी। तो गाइस, प्रशासन ने एक प्रकार की बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है यहाँ पे, जो वैष्णो देवी साइन बोर्ड है यहाँ पे, लगभग किसी यात्री को तकलीफ ना हो उसके लिए इन्होंने ATM लगा रखा है। भैरव घाटी में हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और आप देख सकते हो पीछे हमारे JK बैंक का, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ATM लगा हुआ है जो 24 आवर स्टार्ट रहता है। तो जिन यात्रियों को भी कैश की दिक्कत होती है वो यात्री अपना पैसा निकाल के अपना यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सहूलियत बड़ा निर्णय रहा है। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, चलिए अभी चलते हैं ऊपर, दर्शन करते हैं और फिर बात करेंगे यहाँ की कथा के बारे में। जय माता दी। तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अभी पीछे आप देखोगे कि यहाँ पे भैरवनाथ की जो प्रसाद है, प्रसाद यहाँ पे आप भेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर नाना प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं, आप यहाँ चाहो तो प्रसाद ले सकते हो। जय माता दी। और यहाँ प्राइवेट दुकान थी, ये हेड शॉप है वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ, आप प्रसाद यहाँ से भी ले सकते हो। चलते आगे काम कर। भैरवनाथ, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख सकते हो पीछे हम भैरवनाथ मंदिर पे हैं और काफ़ी तेज़ यहाँ बारिश हो रही है और हम यात्रा यहाँ दर्शन कर चुके हैं। अभी यहाँ की कहानी बताएंगे, पहले आप यहाँ का नज़ारा देख लो, क्या घाटी है। जय माता दी। और मैं यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखा सकता हूँ आपको, कितनी धुंधाई हुई है। वो नीचे वहाँ पे देखिए शायद माता का मंदिर है, बट अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दर्शन हो गए हमें भैरवनाथ का और बहुत अच्छा लगा। बारिश के मौसम में और इस प्रकार का चारों तरफ प्रकृति ने जिस प्रकार से ये पूरे धुंध कर रखी है, मन को मोहने वाला स्थान है। और बात करनी थी हमें कथा के बारे में, तो जो हमारा वैष्णो देवी यात्रा की कथा थी वहाँ से हमने आपको बताया था कि माता जब त्रिकुट पर्वत पर निकली थी तो यहाँ पर भी भैरवनाथ जी आए थे नीचे जहाँ मंदिर है माता का। वहाँ से माता ने जब भैरवनाथ ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो माता ने वहाँ पे अपना त्रिशूल चलाया, दिवास्त चलाया था और वहाँ से उनका सर जो धड़ से अलग हुआ और सीधा त्रिशूल वो उनका धड़ लेके, अरे जो उनका सिर था लेके भैरव घाटी में यहाँ पे आके स्थापित हो गया। कारण ये था कि वहाँ पे एक चीज़ हुई कि जब सिर कट रहा था उनका तो उनके मुँह से माँ का नाम निकल गया और इस पर जगत जननी माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई उनके ऊपर और प्रसन्न होने का आशीर्वाद दे दिया उन्हें कि हे भैरवनाथ, आप तुमने जो मेरे भक्त के रूप में मुझे माँ करके पुकारा है, भले तुमने जो भी पाप किए हैं उस पापों को मैं क्षमा करती हूँ और आने वाले युग युगांतर तक जो भी शख्स हमारी यात्रा करने आएगा और जब तक तुम्हारी वो यात्रा नहीं करेगा तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये था कथा का सारांश, पौराणिक कथा में भी मौजूद है। माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, अब यहाँ से यात्रा निकलेगी आगे की, नेक्स्ट अपडेट बताएंगे। माता रानी आप सभी लोगों की हर एक मनोकामनाएं पूरी करें।
तो कोशिश करिए आप मई जून में आने की कोशिश करते हैं तो मई जून में आइए, और बारिश का लुत्फ उठाना चाहते हो तो बारिश के मौसम में आइए, और अगर बर्फ़ का लुत्फ उठाना चाहते हो तो जनवरी फरवरी में आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और क्योंकि अब यहाँ से स्टार्टिंग की तैयारी हमारे नीचे जाने की, नीचे उतरने की, तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, आप लोगों की नई यात्रा कराऊंगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि संपूर्ण यात्रा मैंने आपको करा चुकी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो लोगों के पास, जो भी शख्स यहाँ आना चाहते हैं, जो भी यात्री यहाँ यात्रा करना चाहते हैं यात्रा कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से, कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप सभी लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता दी।